भारत में और अधिक देशों में मृत्यु दंड को समाप्त तो नहीं किया गया है, किंतु यह संख्यात्मक रूप में काफी कम हो गया है। आजादी के बाद गुजरात में 1889 में मृत्यु दंड दिया गया। केरल में पिछले 25 वर्षों में इसका कोई प्रकरण नहीं आया है। विराम। ऑल इंडिया रिपोर्टर के अनुसार 1995-96 में देश के उच्च न्यायालयों ने 13 प्रकरणों में मृत्यु दंड की सजा सुनाई, किंतु उच्चतम न्यायालय ने केवल 4 मामलों में ही मृत्यु दंड के आदेश को उपयुक्त माना। विराम। इस प्रकार चार्टर एमनेस्टी इंटरनेशनल PUCL तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मृत्यु दंड को समाप्त करने के पीछे मुख्य तर्क यह है कि जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे छीन कैसे सकते हैं। यदि फांसी पर लटकाए जाने के बाद यह तथ्य सामने आए कि व्यक्ति अपराधी था ही नहीं तो उसकी क्षतिपूर्ति संभव ही नहीं है। विराम। फांसी की सजा के भय से अपराधों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि 1953 से 1954 की अवधि में देश में जघन्य हत्याकांडों का आंकड़ा 294% बढ़ गया है और क्रमशः बढ़ता जा रहा है। मृत्युदंड देकर हम मनुष्य में सुधार की संभावनाओं को ही समाप्त कर देते हैं। मृत्युदंड प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की असामान्य मनस्थितियों को मृत्युदंड का पूरा प्रावधान प्रभावित नहीं कर पाया है। अपराधी को व्यवस्था द्वारा दिए जाने वाला सामाजिक मनोवैज्ञानिक संबल सार्थक होते ही हैं, और सबसे बड़ी बात व्यवस्थित रूप से किसी को मृत्युदंड देकर समाज अपनी बर्बरता के छींटों से मुक्त नहीं हो सकता। विराम। इसलिए मृत्युदंड को लेकर पूरे विश्व का संवेदनशील तबका समाज में उन कारकों को दूर करने का पक्षधर है जो जघन्य अपराधों को जन्म देते हैं, न कि मृत्युदंड द्वारा अपराधियों को ही समाप्त कर न्यायशास्त्र के सुधारात्मक दर्शन को ही फांसी पर लटकाने का। पैरा चेंज। दरअसल हम ऐसे करूर समाज में रह रहे हैं जहां न तो अपराध वृत्ति को विकसित ही नहीं होने देने के संवेदनशील प्रयास हो रहे हैं और न ही मृत्युदंड को त्याग कर अपराधी को अन्याय सजाओं को दिलाने के शीघ्र व ठोस प्रयास। विराम। समाज की यही हृदयहीन स्थिति नृशंस अपराध करवाने का भी वातावरण दे रही है। विराम। और उसके बदले मृत्युदंड देने का भी प्रावधान कर रही है। विराम। हम दोनों
ही दृष्टि से अमानवीय हैं विराम। हालांकि विषव समाज व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले नृशंस अपराधों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो भी क्या उसे समाज द्वारा किए जाने वाले मानव वध से अपने आप को अलग नहीं कर लेना चाहिए विराम। हम ख्याति लब्ध अपराध शास्त्री थरसेन सेलिन द्वारा 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में मृत्युदंड पर हुए शोधों का गंभीर अध्ययन कर अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटल पनिशमेंट में दिए गए निष्कर्षों पर सहमत हो सकते हैं कि जो यह तर्क देते हैं कि मृत्युदंड समाज में अपराध पर नियंत्रण रखता है विराम।